नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए भले ही पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर घंटों टास्क दे रहे हैं, बावजूद इसके पटना के भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा, जहां आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं आम सी हो गई है। मसौढ़ी में वसूली वाला वीडियो वायरल होने के बाद 6 पुलिसकर्मियों के ऊपर गाज गिरी ही थी कि तभी पटना के कंकड़बाग थाने की पुलिस का दबंगई से जुड़ा मामला सामने आया। दरअसल आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। कंकड़बाग थाने की पुलिस ने एक स्कूटी सवार युवक को चेकिंग के नाम पर पकड़ा तो उसके पास गाड़ी के पूरे कागजात नहीं मिले। युवक का आरोप है कि सिपाही ने उससे 5,000 रुपए की मांग की। युवक ने सिपाही से कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं है क्योंकि वह एक स्टूडेंट है। युवक का कहना है कि उसके पास केवल 200 से 300 रुपए ही थे। इतना सुनते ही सिपाही भड़क उठा और उसे थाने चलने को कहा। युवक का आरोप है कि सिपाही ने यह भी धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो शराब की बोतल स्कूटी में रखकर वह उसे जेल भेज देगा। इसके बाद युवक घबरा गया और उसने अपने पिता को कॉल करने के लिए मोबाइल निकाला। सिपाही ने उसके मोबाइल को भी तोड़ दिया। युवक का नाम आशुतोष बताया जा रहा है। युवक का कहना है कि वह उस सिपाही को पहचान लेगा जिसने उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया। आशुतोष के मुताबिक सिपाही वहां अकेला नहीं था, उसे पकड़ने के लिए कुछ और लोगों को बुला लिया था। पैसे नहीं मिलने की खीज में उसके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। पुलिस से बचने के लिए वह भागकर एक अनजान घर में जा घुसा, लेकिन सिपाही वहां भी पहुंच गया। बाद में आशुतोष ने SP उपेंद्र शर्मा को उसके ऑफिस पहुंचकर इस पूरे मामले की जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद SP उपेंद्र शर्मा हरकत में आए और उन्होंने फौरन कंकड़बाग के थाना प्रभारी को फोन किया और क्लास लगा दी। सिपाही की पहचान करने का आदेश भी दिया गया है, साथ ही आशुतोष की स्कूटी को छोड़ने का भी आदेश जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC 24, पटना। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप लगातार जुड़े रहें NBC 24 के साथ और तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार। गया का मशहूर तिलगुड़ अब पटना में भी स्वाद के मामले में नंबर वन। हमारे जैसा तिलगुड़ बनाने वाला कोई नहीं क्योंकि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। साथ ही हमारे यहाँ शुगर फ्री तिलगुड़ भी है। तो चले आइए पटना के फेमस तिलगुड़ भंडार श्री राम तिलगुड़, तपस्या कॉम्प्लेक्स, बोरिंग रोड, पटना 1। NBC 24, सच की ताकत।